हु इज हिमांशु रंजन? जितना तुमने तारीफ करा, चढ़ना तो एक शौक है ही, बट हम उसपे उसके बारे में जान रहे हैं, लाइक हाउ इट इज फ्लाइंग। मेरे ज्वाइन करने के बाद ज्यादा इंटरेस्ट आया या पहले से था? अगर आप बाकी जितने भी कोर्सेज की बात करो तो देयर इज अ स्ट्रगल एवरीवेयर। व्हाई एविएशन एंड एमी कोर्स? झूठ बोल रहा, आगे बैठ, आगे बैठा था भाई। नहीं, तो एक ही चीज जो पॉजिटिविटी थी वो था पेपर्स, लाइक रिलेटिव बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट बताया गया। हाँ। भाई मैंने ही खुद बताया था, क्या करना चाहिए, कॉलेज बंक करना चाहिए या कॉलेज ही मेन है? इज लाइक अ मिथ ऑल्सो, जो कॉलेज के जो मतलब बहुत सारे जो कॉलेजेस है फैलाती भी है, फैलाती भी है। लाइक आफ्टर, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मायसेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। एंड गाइस, दिस इज नॉट अ रेगुलर वीडियो, दिस इज पॉडकास्ट वीडियो। आप देख सकते हो द एविएशन माइंड पॉडकास्ट एंड दिस इज फर्स्ट एपिसोड ऑफ द एविएशन माइंड पॉडकास्ट। मैं कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोग से पूछा था कि क्या आप पॉडकास्ट देखना चाहते हो द एविएशन माइंड चैनल पे, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला था, तो उसी का रिजल्ट है कि आज द एविएशन माइंड पॉडकास्ट में लेकर हाजिर हूं। और आप लोग सोच रहे हो कि आखिर द एविएशन माइंड पॉडकास्ट में क्या स्पेशल होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि द एविएशन माइंड पॉडकास्ट में बहुत सारा स्पेशल आज तक एविएशन पे पॉडकास्ट नहीं हुआ है। एविएशन यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के ऊपर मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो एमी बैकग्राउंड के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, पायलट के ऊपर, केबिन क्रू के ऊपर, यानी कि एविएशन में जितने भी जॉब वैकेंसीज होंगे धीरे धीरे मैं गेस्ट्स को कोशिश करूंगा कि ला सकूं और उनसे बहुत सारे बातें कर सकूं। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट है। सो गाइस, द एविएशन माइंड पॉडकास्ट के जो फर्स्ट एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नंबर वन पढ़ने में है, उनका मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और सबसे खास बात सीएआर सीरीज 147 के पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कैट ए लाइसेंस मिल चुका है और वो अपने कैरियर में धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सो प्लीज वेलकम माय ओन ब्रदर हिमांशु रंजन। रंजन रंजन, सो सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और सबसे पहला गेस्ट तुम हो? लाइक आई एम रियली एक्साइटेड, लाइक बहुत मेरे को सही लग रहा है, लाइक वी आर इन द राइट डायरेक्शन एंड पॉडकास्ट का पहला सीरीज एंड लाइक मैंने डिसाइड किया कि टू डू विद विद मी। हां, सो लाइक स्पेशली इट्स लाइक डिसाइड नहीं किया, ये हो गया। yes, रैंडम like, मतलब एक सर हैं वो, उन्होंने आइडिया दिया कि भाई तुम स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज एविएशन पे उतना पॉडकास्ट होता नहीं है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम रैंडम सोचा कि यार क्यों ना, ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तुम भाई तुम्हारा एविएशन में है, तुम क्यों लाए अपने भाई को एविएशन में, तुम तो थे ही, इस तरह के बहुत सारे बातें होते हैं। आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। हां, तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारा मैं क्वेश्चंस लिख के रखा हूं ऑलरेडी। yes. तो सबसे पहला अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि हु इज हिमांशु रंजन? लाइक जितना तुमने तारीफ करा उतना मतलब उतना तो नहीं, बट हिमांशु रंजन बेसिकली लाइक नॉर्मल यार, जिसको पढ़ना पसंद हो थोड़ा सा, लाइक जिसको एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट हो, एंड हू लाइक्स टू वर्क लाइक अ वर्कहोलिक, लाइक एंड हू एविएशन में बहुत इंटरेस्ट हो। यस, एविएशन में इंटरेस्ट हो, एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट हो। अगर यू कहें कि इंटरेस्ट जग गया जब मैं आया तो इंटरेस्ट जगा, यस लाइक या पहले से देखो कैसा लाइक फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, लाइक अगर हम चाइल्डहुड से बचपन से बात करें तो हमें कहीं भी जहाज दिखता है तो लाइक वी यूज टू यूज आवर हैंड एंड सी जहाज जा रहा है, भाई ऊपर जहाज जहां तक जाता है ना, चढ़ने का सबको शौक है, तो हमें मतलब चढ़ना तो एक शौक है ही, बट हम उसपे उसके बारे में जान रहे हैं, लाइक हाउ इट इज फ्लाइंग, व्हाट आर द सीन्स बिहाइंड दिस, सो वो जानना एक बहुत ही अलग चीज है। तो ये बताओ कि जैसे मैं एविएशन में ज्वाइन किया 2016 में, तुम 3 साल छोटे थे मेरे से, मतलब क्लास में 2 साल छोटे थे, तो मेरे ज्वाइन करने के बाद ज्यादा इंटरेस्ट आया या पहले से था? देखो मेरे को मतलब पहले से इस कोर्स के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था जो भी हमने करा, बट एयरक्राफ्ट के बारे में तो सबको पता होता है, ऐसा तो उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ, एयरक्राफ्ट के बारे में सबको पता होता है कि एयरक्राफ्ट है, रॉकेट्स है, सैटेलाइट्स है, तो वो एक दिखा हमको, कहीं ना कहीं स्कोप दिखा कि भाई ये थोड़ा अलग है। यस, तो यूनिक है तो हमें करना चाहिए, बट उस टाइम पे अगर देखा जाए तो अगर जॉब का देखते हैं तो यार उस टाइम पे तो कोविड था, उस टाइम जॉब तो था नहीं, तुम अगर जॉब का देखते तो भाई तुम भी ज्वाइन नहीं करते। yes. बट एक था कि इसमें पेपर्स निकालना है, तो मुझे भी मोटिवेशन हुआ कि नहीं भाई तुम निकाल सकते हो। हर फील्ड में जो है एक फेज आता है, एक नीचे का फेज आता है, एक ऊपर का फेज आता है, और सारे फील्ड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाते ही बिल्कुल आपको लाइक
अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, आई एम नॉट कंसिडरिंग एज आईआईटीज, अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज एंड आईआईएम्स, अगर आप बाकी जितने भी कोर्सेज की बात करो तो देयर इज अ स्ट्रगल एवरीवेयर। मुझे जहां तक पता था कि भाई मतलब अगर मैं एविएशन में हूं तो सामने दिख रहा है कि हाँ जॉब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी था कि अगर जिसके पास पेपर है जो पढ़ सकता है वो निकाल सकता है। मुझे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट था कि भाई तुम यू कैन डू इट, और मतलब तुम पेपर निकाल सकते हो साला, मतलब जो तुम निकाल सकते हो, और मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट। चलो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन का बात कर लेते हैं जो कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, व्हाई एविएशन एंड एमी कोर्स। सी आई ऑलरेडी टोल्ड व्हाई एविएशन, लव ऑफ एयरक्राफ्ट एंड लव ऑफ एयरक्राफ्ट। एमी इट वाज लाइक जब मैंने 12th पास करा, ठीक है, एट दैट टाइम लाइक आई सिक्योर्ड अ गुड परसेंटेज, इट वाज अराउंड 91%, एंड एट द सेम टाइम दैट पर्टिकुलर ईयर आल्सो आई क्लियर जेई मेंस, बट माय रैंक वाज नॉट दैट इनफ टू गेट इनटू एन आईआईटी और एनआईटी। एंड ये भी था कि मैंने जो है मतलब हमें सही गाइडेंस नहीं मिला था, सही गाइडेंस नहीं मिला था, और जो गाइडेंस देने वाले भी थे मैं नाम नहीं लेंगे, वो व्हाटएवर नाम नहीं लेंगे, रिलेटिव बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट बताया गया कि भाई मैंने ही खुद बताया था कि भाई इतना परसेंटेज आया है, अरे आईआईटी क्या उखाड़ लेगा, अरे भाई कर दो किसका भी 91% आ जाता है। अपने दामाद से कंपैरिजन करना, दामाद से कंपेयर, मतलब जो भी रिलेटिव्स में ऐसा होता है। तो अभी एमी कोर्स करके मतलब कैसा लग रहा है कि भाई ठीक है, मतलब जब मैंने भी एमी कोर्स में एंटर लिया तो लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लाइक वहां पे नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी यू हैव टू फाइंड रे ऑफ पॉजिटिविटी। वो एक ही चीज जो पॉजिटिविटी थी वो था पेपर्स, लाइक अगर सबको ये बोलता था अगर इफ यू हैव पेपर्स यू विल हैव टू स्ट्रगल लाइक ईयर टू ईयर, इट्स नॉट दैट एवरी फील्ड यू हैव टू स्ट्रगल, आइदर यू टेक बीटेक, यस यस एवरी फील्ड, बट देयर इज सम लूप होल यू हैव टू क्रॉस दैट, यस, बट एनी फील्ड द लूप होल इज पेपर्स, यू हैव टू क्लियर पेपर। थर्ड क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एविएशन, जस्ट ऐसे ही मेरा मन किया पूछने का, मतलब मुझे तो पता ही है लेकिन लोगों को पता चले। टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, मतलब स्कूल लाइफ कैसा था और शॉर्ट में, और कॉलेज लाइफ मतलब एमी जो लाइफ है वो कैसा था। सी लाइक हम लोग जो थे लाइक कभी भी आगे बैठने वाले लड़के तो थे नहीं, झूठ बोल रहा, आगे बैठता था भाई, नहीं हम लोग कभी आगे नहीं बैठते थे, यू वर द मिडिल बेंचर्स, मिडिल बैक बेंचर्स भी नहीं, मिडिल बेंचर्स, हमारे में दोनों ही काबिलियत थे, हमारे में जो फ्रंट बेंचर्स के थे और जो बैक बेंचर्स के थे, सो यू वर हैविंग बोथ द काबिलियत। पॉइंट बोला भाई, यस, हम कभी मिडिल बेंचर्स नहीं सुने, हम हमेशा बैक बेंचर्स या फ्रंट बेंचर्स सुने, वी वर द मिडिल बेंचर्स ऑलवेज। जो अभी एमी कोर्स में जो आ रहा है स्पेशली हम बोलेंगे, तो वो कॉलेज में जा रहा है तो उनके लिए क्या मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे कि जैसे क्या करना चाहिए, कॉलेज बंक करना चाहिए या कॉलेज ही मेन है, क्योंकि इसका पढ़ाई और कहीं नहीं होता है, इसके लेक्चर और कहीं नहीं होता है, तो उस पे ध्यान देना है या बंक करते रहे बस, उसे काम चल जाता है, पेपर निकल जाता है। Why not? Pay attention, like, कितने घंटे की क्लासेस होती है कॉलेजेस में, मोस्टली लाइक 5 to 6 hours, उसके बाद आपके पास और पेपर्स में हेल्प करता है कि नहीं, डीजीसी मॉड्यूल निकालने में लेक्चर हेल्प करता है कि नहीं करता है। आई डोंट थिंक सो, जो अभी जो जब हम थे जो उस टाइम कॉलेजेस के लेवल थे उस टाइम इंस्ट्रक्टर्स उतने वेल क्वालिफाइड थे कि लाइक दे वुड हेल्प अस टू क्लियर आवर पेपर्स, सो मोस्टली आपको खुद से हेल्प करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव एवरीथिंग पड़ेगा एंड यू हैव टू ट्राई योर ओन फॉर्मूला टू क्लियर ऑल दोस पेपर्स। लाइक ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्टर योर इंस्ट्रक्टर विल टेल यू हाउ टू क्लियर, इनफैक्ट instructors are instructor, only like you can only guide, yes, they can guide but everything you have to do is like your own, 90% of in like 90% papers clear karne ke liye tumhe khud pe depend karna padega rather than someone else, yes। DGCME module exam nikalne ke tips bata do short mein, ki jo bahut sare hain jo aviation mein abhi ME course kar rahe hain to log poochte hain ki kya tips hai, matlab ek aisa tips jo kaam aaye। Basically do perspective hai, एक तो लाइक वी हैव टू क्लियर द एग्जाम, एक तो है वी हैव टू क्लियर, वी हैव टू गेन द नॉलेज, ठीक है, या तो नॉलेज ले लो या तो पेपर्स निकाल लो, और दोनों ही करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो हमें नॉलेज जरूरी है इस फील्ड में, बिकॉज इस फील्ड में बिना नॉलेज के यू कैन नॉट सस्टेन, राइट, यस, यू नीड टू हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ एवरी कॉलेज के टाइम में लो, यस, यू इफ यू हैव द ऑप्शन तुम कॉलेज के टाइम में लो और जॉब के टाइम में लो, तुमको तो भाई जहाज के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। Yes. The only thing is like you should have the interest in that aircrafts and like MCQ basically जो हमारा DC का एक जो exam होता है वो हमारा basically MCQ based होता है, so go with that mindset like how to clear the MCQ exams because this is not going to be subjective exam, you don't have to write here any essay or something like that, so
सो गो विद दैट एमसीक्यू माइंडसेट, हाउ यू हैव टू क्लियर दैट. एंड और अगर वो पढ़ लेंगे लाइक इफ यू स्टडी द होल चैप्टर यू कैन गेन द नॉलेज ऑल्सो और यू कैन क्लियर द एमसीक्यू ऑल्सो. ओके, और कुछ टिप्स? बेसिकली बस यही है, पढ़ाई करो और क्या. क्वेश्चंस इतने सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक्स, एवरीथिंग दैट मैटर्स. आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट इन दिस, देयर इज नो शॉर्टकट. लाइक इफ यू थिंक सिर्फ क्वेश्चंस करने से एग्जाम्स निकल जाएंगे, वो लक होगा निकल जाएगा, लक नहीं होगा तो अभी नहीं निकलेगा. अभी 2023-24-25 जो भी ईयर्स आ रहे हैं उसमें तो बिना पढ़े नहीं निकलने वाला है. कोई भी हो भाई, बिना पढ़े नहीं निकलने वाला है. सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन. देखो, व्हेन आई जॉइंड एमी कोर्स उस टाइम पे थोड़ा जॉब का प्रॉब्लम था. ठीक है, मतलब था कि यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा. सो व्हाई यू हैव जॉइंड? और जो लोग ये बोलते हैं कि यार मैं तो ज्वाइन कर लिया, लाइक बड़े भाई तो ज्वाइन कर लिया, सो छोटे भाई को क्यों एविएशन में लाया, एविएशन में लाया, उस पर क्या बोलना चाहोगे? सी एट दैट टाइम ऑल्सो मेरा एक बचपन से आदत रहा है, मैं कभी भी अपने डिसीजंस को जो भी मैं डिसीजंस लेता हूँ वो किसी और पे ब्लेम नहीं करता. ठीक है, सो इट वॉज टोटली माई डिसीजन. एज आई मैंशन बिफोर ऑल्सो, लाइक मैंने पहले मैंशन करा कि लाइक जब मेरा जेई क्लियर हुआ बट उतना अच्छा रैंक नहीं था, तो आई हैड टू सी सम अपॉर्चुनिटीज देयर, लाइक वॉट अदर कोर्सेज आई कैन डू. सो बेसिकली एट दैट टाइम आई हैव टू लाइक कीप इन माइंड माई फाइनेंशियल सिचुएशन ऑल्सो. सो कीपिंग इन माइंड माई फाइनेंशियल सिचुएशन एंड लाइक वॉट एल्स आई कैन, लाइक जहां पे जॉब का जो स्कोप है, लाइक आने वाले टाइम पे कौन सा फील्ड बढ़ने वाला है. ठीक है, सो वो देखो मैं भी था तो कहीं ना कहीं आइडिया तो लग गया था कि भाई मतलब स्कोप तो है, अगर तुम्हारे पास पेपर है तो स्कोप तो है. बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि बॉन्ड बहुत सारे लोगों से बन गया था, जो भी किधर उधर से इंजीनियर्स वगैरह, तो वो बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं यार तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. भाई निकलेगा तब क्या होगा ये बताओ. तो यू हैव फोकस्ड ऑन दैट कि निकलेगा तब क्या होगा. यस, दैट इज मैंने बोला ना, लाइक आई जस्ट गो थ्रू दैट रे ऑफ पॉजिटिविटी जो मुझे दिखा. सो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन डू. लाइक अगर आप किसी भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, जरूरी नहीं है एमी कोर्स, जरूरी नहीं है एमी कोई भी कोर्स में. ऐसा नहीं है कि अगर हम कर रहे हैं तो छोटा भाई नहीं कर सकता है या छोटा भाई नहीं आ सकता है, उसको कुछ और कोर्स करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए. तो टोटली माय डिसीजन, लाइक मैं ड्रॉप बेसिक था, अरे उसके बाद ड्रॉप नहीं करना चाहता. बहुत लोग पूछता है कि भाई तुम्हारा भाई क्या करता है, एविएशन में कहाँ है, तो एमी में, अभी कहाँ है, तो अभी यूनाइटेड एयरलाइंस में. तो अच्छा अपना भाई है? हाँ अपना भाई है भाई. तो तुम तो आए, तुम्हारा भाई क्यों आया एविएशन में? वो उसका डिसीजन था, उसका डिसीजन था. प्लस बोला कि भाई अब यूनाइटेड में है तो आप देख लो क्यों आया है. जब इंडिगो में था, जब तुम ज्वाइन किए थे तो सबसे पहला 147 के बंदे थे, तो भाई देख लो क्यों आया है. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं जो भी जिसको भी रिकमेंड करता हूँ एमी कोर्स, उसको अपना भाई समझ के ही करता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ कि भाई जब हमने भाई को नहीं मना किया तो फिर तुम तो यार, तुमको अगर इंटरेस्ट है, सबसे मेन चीज क्या इंटरेस्ट है कि नहीं. अगर मान लो अगर तुमको हम नहीं भी बोलते यार, तुम इंटरेस्ट बना लेता लेकिन तुमको जहाज के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं था, यस, तो तुम ज्वाइन नहीं करता, तुमको यार मैं इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करें. अच्छा एक चीज और बताओ, कोर्स जरूरी है या पैसा? जैसे अगर हम पैसा देख के कोर्स करें या मतलब इंटरेस्ट देख के कोर्स करें? वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि यार इसमें पैसा कितना है. और बेसिकली इसी बात का तो पूरा वो है, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो इसी चीज को सोच के लेते हैं कि हमें वो, और एक तो उनका माइंडसेट होता है कि हम कॉलेज से निकलते ही हमें इतना मिलेगा. एंड दिस इज लाइक अ मिथ आल्सो, जो कॉलेज के जो मतलब बहुत सारे जो कॉलेजेस वो फैलाती भी है कि लाइक आफ्टर टू इयर्स क्या करते हैं एमी कोर्स, एमी मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनोगे भाई एमी कोर्स करने के बाद. तो ये चीज लोगों को समझना चाहिए कि एमी कोर्स करने के बाद डायरेक्ट तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुमको यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, कि वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है. यस, सो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. सो फिलहाल चलो यही था हमारा पॉडकास्ट, और काफी अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके. और क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट है, और भी तुम अभी यहीं पे हो 5-6 दिन, तो और भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे पॉडकास्ट आएगा. बिल्कुल, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एविएशन के ऊपर, और आई होप सो कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट अच्छा जाए. Yes, और ताकि मोटिवेशन रहे आगे पॉडकास्ट करने के लिए.
I hope mostly like people from the aviation community, like they'll support this podcast. And if like I'll like agar kisi aur koi question ho, so they can ask us, like they can ask in comment section. Yes. Like what you want to know about aviation, what you want to know about AMI course. So isse bare mein agar aapko koi bhi question ho to aap पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. अगर इंस्टाग्राम पे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो आईडी है मेरा और इसका भी वो आ रहा होगा स्क्रीन पे हम लोग के सामने, और जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप जाकर वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो भी गेस्ट यहाँ पे आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे दूं ताकि आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सको. गेट पीपल फ्रॉम आर कम्युनिटी. आप लोग इस पॉडकास्ट को अच्छे से शेयर करो, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे एविएशन में जितने भी लोग हैं, जो भी हायर रैंक तक पहुंचे हैं या जो भी अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हैं, उनको मैं बुलाऊं ताकि आपको मोटिवेशन मिले. नॉट ओनली एमी फील्ड, होल एविएशन और एविएशन के बाहर का भी जो अच्छा हो रहा है तो मैं उसको उनको बुलाऊंगा. सो गाइस, यही था हमारा आज का फर्स्ट पॉडकास्ट. आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. एज यूजुअल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनको जो कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूं उससे काफी मोटिवेशन मिलेगा. मिलते हैं एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में, एक और धमाकेदार वीडियो में. लेट डू व्हाट एवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी. सी यू. जय हिंद.